Subscribe to to our YouTube channel and press the the bell icon to get the latest updates. नेशनल इंटरेस्ट में इस सप्ताह हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसकी हालत अभी खस्ता है हम सब जानते हैं और ना सिर्फ अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है मैं तो कोई अर्थशास्त्री हूं नहीं तो मैं अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना नहीं बोलूंगा लेकिन मैं बोलूंगा कि उसका कारण क्या है उसका कारण यह है आ, के जो हमारे उद्यमी हैं जिनको चलानी है ये अर्थव्यवस्था जिनको ग्रोथ लेके आनी है हमारी उन सब के हौसले अभी बहुत पस्त हैं उनसे मैं बात करता हूँ दिल्ली में इस समय इंडिया इकोनॉमिक समिट हो रही है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चलाता है उसमें सबसे बात करो तो लोग ये चुपचाप ही आके कहते हैं कि देखिए इतना बुरा मूड हमारे अंदर उन्नीस के बाद कभी नहीं हुआ उन्नीस क्यों क्योंकि तब मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार शुरू किए थे और उसके बाद से भारत की ग्रोथ का एक जो साइकिल था वो शुरू हुआ था जो अच्छा साइकिल था वो शुरू हुआ था अब ऐसा इस बहुत सूचकांक हैं जिनकी हम बात करते हैं वो सब ये दिखा रहे हैं कि हालत कितनी पतली है आप देखें कि जो निवेश है जो हमारी सारी इंडस्ट्री मिला के निवेश करती है वो इस समय हर क्वार्टर में जितना पिछले साल था उसका एक चौथाई भी नहीं है एक लाख करोड़ से भी कम है चार लाख करोड़ के आसपास होता था ये डेटा जो है ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है फिर आप देखें कि बैंकों का लैंडिंग कम हो गई है लोग उधार नहीं ले रहे हैं बैंक दे नहीं पा रहे हैं बैंकों के पास डिपॉजिट पड़े हुए हैं पर लोगों में उधार लेने की हिम्मत नहीं है जिसके पास पैसा है जैसे मान लीजिए मुकेश अम्बानी के पास भी पैसा है जिसके पास पैसा है वो भी अभी निवेश नहीं कर रहा है उस पैसे को लेके बैठा है और जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं बैंक से वो फटाफट उस लोन को वापस कर रहे हैं अब आप सोच रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है लोन को वापस कर रहे हैं लेकिन लोन को तो वापस करना होता है जब लोन का समय होता है लोन के दिए जाने का मतलब ये होता है कि उस लोन से आप कोई नया बिज़नेस बनाएं नई फैक्ट्री बनाएं लोगों को नौकरियां मिलें फिर लोग कुछ खरीदें लोग टैक्सेस दें और उससे सबकी ग्रोथ हो लेकिन अगर लोग अपना पैसा ही वापस करना शुरू कर देंगे कि अरे साहब छोड़ो मुझे कोई ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत रिस्की हो गया है तो उससे फिर इकोनॉमी बढ़नी बंद हो जाती है वही इस समय भारत में इकोनॉमी की स्थिति है तो ये कुछ ऐसे है कि आप हमारे अपने परिवार की तरह सोचें जो उद्यमी होता है वो भी किसी पारिवारिक इंसान की तरह ही सोचता है अगर आप सोचें कि मेरी मेरा भविष्य बहुत अच्छा है मेरी नौकरी बहुत अच्छी है मेरी तरक्की होगी मुझे इंक्रीमेंट मिलते रहेंगे मैं अच्छी अच्छी नौकरियाँ करता करता रहूँगा तो क्या करते हैं आप तो आप आज जाके एक घर खरीदते हैं जिसको खरीदने के आपके पास आज पैसे नहीं हैं या एक कार खरीदते हैं या एक स्कूटर खरीदते हैं या फिर आप कहते हैं अच्छा मैं एक छुट्टी पर जाता हूँ दस मिनट अपने परिवार को लेके उसके लिए आप पैसा उधार लेते हैं आप उधार क्यों लेते हैं क्योंकि आपको अपने भविष्य में विश्वास है और भविष्य में विश्वास है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी आमदनी बढ़ेगी तो मैं उधार चुकाता रहूँगा साथ साथ तो जो जब ग्रोथ हो रही होती है जब एक समाज जब अपस्विंग में होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है इकोनॉमी के सूचकांक तब वो अपने भविष्य से उधार लेके काम कर सकता है लेकिन जब वो स्पिरिट खत्म हो जाए तब फिर वो सेफ्टी फर्स्ट के हालत में आ जाता है ऐसे ही उस सेम परिवार उसको लगे कि अरे कल को मेरी नौकरी शायद छूट जाएगी तो उसको अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा भी कहीं से तो चुपचाप उसको बैंक में डाल देगा या अपने घर में रख लेगा कि कल को जब समय और भी बुरा हो जाए तब ये काम आएगा बिल्कुल वही हुआ है जो निर्मला निर्मला सीतारामन ने डेढ़ लाख करोड़ रुपए का टैक्स ब्रेक दिया कॉरपोरेट इंडिया को वो सब उन्होंने अपनी अपनी बैलेंस शीट में फोल्ड बैक कर लिया है क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमारे काम आएगा लेकिन उस उसकी वजह से उन्होंने निवेश नहीं बढ़ाया है तो ये इसको अब कैसे तोड़ा जाए तो मेरा कहना ये है कि इसको तोड़ने के लिए ये भारतीय उद्यमी जो हैं इनका मोराल इस समय बहुत नीचे है इनका मनोबल बहुत नीचे है इनका मनोबल कभी थोड़ा टैक्स कम करने से कभी थोड़ा भाषण देने से कभी कोई थोड़ा सा और कंसेशन देने से ठीक नहीं होगा उससे थोड़ा बहुत एक दिन के लिए फ़ायदा होगा लेकिन वैसे ही है जैसे आपको कोई स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिया या इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिया जिसका असर थोड़ी देर रहता है इसके लिए बहुत बड़ा सुधार करना पड़ेगा और सरकार और उद्यमी जगत में जो एक रिलेशनशिप है जो बहुत एक तरह से खिंचाव वाली हो गई अभी लगता है कि सरकार उद्यमी सोचते हैं कि सरकार हमेशा अपनी एजेंसीज लेके हमारे पीछे आ रही है हमें जेल में डाल देगी उसको कम करना पड़ेगा और इन चीज़ों को थोड़ा शांति लानी पड़ेगी काम लाना पड़ेगा इसके अंदर नहीं तो ये सिचुएशन बदल नहीं सकती है तो देखिए बिजनेस में इकोनॉमी में एक चीज़ कहते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट क्या आपको शेर की तरह टूट पड़ना चाहिए कि इस टाइम जो भारत के उद्यमी हैं उनमें एनिमल इंस्टिंक्ट मिसिंग है तो मेरा कहना ये थोड़ी आ, मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मजाक की बात लगती है लेकिन मज़ाक की नहीं है संजीदा बात है ये एनिमल इंस्टिंक्ट है लेकिन एनिमल इंस्टिंक्ट उस शेर का नहीं है जिसकी पूँछ ऊपर है और वो छलांग मारने वाला है अपने शिकार के ऊपर ये एनिमल जो है ये ऐसे है कि कोई जैसे डरा हुआ पिल्ला होता है जो दुम दबा के बैठा होता है अपनी टांगों के बीच में तो जब तक ऐसे रहेगा तब तक भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ दोबारा से शुरू नहीं हो सकती है मोदी सरकार को नरेंद्र मोदी जी को अब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा अगले छः महीने और ये भार उद्यमी भारत का मनोबल वापस लाना पड़ेगा